वन महोत्सव को यहाँ से शुरुआत करने का जो मकसद है, हम सभी अपने अधिकारियों को ये बात कहना चाहते हैं कि हमें दो तरफा काम करना है। एक तरफ हमें नए पौधे लगा करके ग्रीन क्षेत्र को बढ़ाना भी है और दूसरी तरफ इस कीकर जो विदेशी कीकर है इसको नियंत्रित करने के काम को भी लगातार हमें जारी रखना है। हमें भरोसा है कि जो सेंट्रल रिच से ये अभियान शुरू हुआ था ये सफलतापूर्वक आगे बढ़ेगा और पूरे दिल्ली के जो विदेशी कीकर है उसे हम कम करने में सफल होंगे। दिल्ली के अंदर सरकार की तरफ से वृक्षारोपण के साथ साथ लोगों की सहभागिता हो इसके लिए दिल्ली सरकार की जो 14 नर्सरी है अलग अलग क्षेत्रों में, उन नर्सरियों से दिल्ली के लोगों को निःशुल्क पौधे दिए जा रहे हैं। दिल्ली के किसी भी नर्सरी से जाकर के, चाहे वो मेडिसिनल प्लांट हो, चाहे वो आपके पास जगह है तो बड़े पौधे हैं, हर तरह के पौधे दिल्ली के 14 नर्सरी से वितरित किए जा रहे हैं जिसकी शुरुआत हो चुकी है। मैं दिल्ली के लोगों से अपील करना चाहता हूँ, जिंदगी हम सबकी जरूरी है, इसलिए इस जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए, पर्यावरण को बेहतर बनाने के लिए सहभागिता भी हम सबकी जरूरी है। और इसलिए मैं दिल्ली के सभी लोगों से, खास तौर से युवाओं से अपील करना चाहता हूँ, हमें अपने जिंदगी को जीने के सपने देखने, उसे साकार करने के लिए संघर्ष करने के साथ साथ इस जिंदगी को, अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए, अभी भी सबसे बड़ा अगर कोई ब्रह्मास्त्र है वो हमारे पौधे हैं, वो हमारा ग्रीन बेल्ट है जो अस्थाई समाधान करता है। RWA के लोग, जो तमाम हमारे इको क्लब्स हैं, उनको भी हम अपील कर रहे हैं कि सभी ज्यादा से ज्यादा इस वृक्षारोपण के महाअभियान में सहभागिता करें जिससे हम दिल्ली के हरित क्षेत्र को और व्यापक बना सकें। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बनने के बाद आज दिल्ली के अंदर 23% से भी ज्यादा ग्रीन क्षेत्र डेवलप हो चुका है और लगातार उसके बाद निरंतर प्रयास जारी है।